आज हम लोग नेचर में फोर फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें सबको आइडिया रहता है ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर में बहुत सारे डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स के। तो आइए आज इन सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो इस नेचर में जितने तरह के भी फोर्स हैं उनको फोर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फोर्सेस तो बहुत सारे हैं, जैसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, सारे फोर्सेस जितने भी हैं उन सबको फोर ही कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हम लोग। वो फोर फोर्सेस कौन कौन से हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को एक ही क्यों रखा गया है? क्योंकि दोनों का कॉज सेम है, चार्ज के कारण ही दोनों लगता है। जिस ऑब्जेक्ट, जिस पार्टिकल के पास चार्ज है उस पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है और चार्ज रहने पे ही मैग्नेटिक फोर्स लगता है मूविंग चार्ज में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों को हम लोग चार्ज से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। चार्ज होना चाहिए किसी पार्टिकल में ये दोनों फोर्सेस के लिए, इसीलिए इनको एक ही फोर्स रखा गया है मैग्नेटिक। अब फोर अलग अलग फोर्सेस हैं तो उन चारों फोर्स का अलग अलग कॉज है लगने का। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटॉन्स के कारण लगता है, चार्ज कैरियर इसमें क्या रहते हैं, मतलब फोर्स कैरियर क्या रहते हैं, ये कौन से पार्टिकल्स इसके रिस्पॉन्सिबल है फोर्स लगने के लिए ग्रेविटेशनल, तो उसको ग्रेविटॉन्स बोलते हैं। राइट, दो ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटॉन्स का एक्सचेंज होता है टू एक्ट दिस फोर्स। वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए फोटॉन्स का एक्सचेंज होता है। तो चार्ज फोर्स कैरियर इसमें क्या हो गया, इट इज कॉज्ड बाय एक्सचेंज ऑफ फोटॉन। दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से फोटॉन का एक्सचेंज करते हैं तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा। जैसे आप मान लीजिए एक फोटॉन को एक बॉल मान, तो दो लोग खड़े हैं ए और बी, तो ए ने बी की तरफ एक बॉल यानी फोटॉन को थ्रो किया, तो बी अगर उसको कैच करेगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा। अब एक फील्ड में, प्लेग्राउंड में, और आपके तरफ किसी ने बॉल थ्रो किया तो आप कैच करते हैं तो आपको भी क्या लगता है, आपकी तरफ एक फोर्स लगता है, क्योंकि बॉल को जब आपने रोका तो उसके मोमेंटम में चेंज आया। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो बॉल का मोमेंटम जीरो हो गया आपको कैच करते के साथ, तो बॉल आपके हैंड पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो यहाँ भी फोर्स जो लग रहा है वो एक्सचेंज के कारण लग रहा है। अब यहाँ किन पार्टिकल्स का एक्सचेंज हो रहा है वो देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में ग्रेविटॉन्स वो फुटबॉल का काम कर रहा है जिसका एक्सचेंज हो रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच या दो पार्टिकल के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में फोटॉन्स होते हैं फोर्स कैरियर, फोटॉन्स का एक्सचेंज होता है तब फोर्स लगता है। वैसे ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में ग्लुऑन्स का एक्सचेंज होता है। कौन सा पार्टिकल होता है फोर्स कैरियर? ग्लुऑन्स बोलते हैं उसको। दो क्वार्क के बीच लगता है, दो क्वार्क को पकड़कर रखते हैं, तो इसमें ग्लुऑन्स हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर में। समझ गए ना? अब वैसे ही लास्ट में है वीक न्यूक्लियर। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स में बोसॉन पार्टिकल जो होता है वो एक्सचेंज पार्टिकल है, बोसॉन का एक्सचेंज होता है, वेक्टर बोसॉन यहाँ लिखा है। इट इज द फोर्स दैट अपियर्स ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन्वॉल्व इन अ न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज द बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस। तो आइए हम ये और अच्छे से समझ कि क्या होता होगा इस बीटा डीके में। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसको वीक इसलिए बोला जाता है स्टूडेंट्स, ये सबसे वीकेस्ट नहीं है चारों फोर्स में। सबसे वीकेस्ट तो ग्रेविटेशनल है, ये ग्रेविटेशनल से स्ट्रांग होता है, सबसे ज्यादा होता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। सेकेंड नंबर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्ड में ग्रेविटेशन, थर्ड नहीं, थर्ड में ये वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे वीकेस्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे लास्ट में आता है। फिर भी इसको वीक न्यूक्लियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका रेंज कम होता है। ये देखिए न्यूक्लियस का रेंज कितना होता है, 10^-15 होता है, इतना छोटा होता है। और एटम कितना होता है, 10^-10 के साइज का होता है। तो ये न्यूक्लियस से भी शॉर्ट रेंज, यानी 0.1%, ये वन लिखा हुआ है, 0.1% ऑफ डायमीटर ऑफ प्रोटॉन में लगता है, यानी लगभग 10^-16 के रेंज में ये फोर्स लगता है। राइट, इतने क्लोज होना चाहिए तब ये फोर्स लगता है। तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स है इसलिए इसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, सिंबल यूज किया है उसका क्या नाम है, यहाँ देख लीजिए सिंबल हम इंडिकेट कर देते हैं। एन हम लोग यूज करेंगे न्यूट्रॉन के लिए, पी प्रोटॉन के लिए, डी डाउन क्वार्क, और यू अप क्वार्क के लिए यूज करेंगे। तो क्या होता है इसमें, न्यूट्रिनो जब न्यूट्रिनो
एक पार्टिकल है, वो जब न्यूट्रॉन को W+ जो वहां लिखा हुआ था ना बोसॉन, तो W+ बोसॉन वेक्टर W+ देता है न्यूट्रिनो, जब न्यूट्रॉन को W+ देता है, क्योंकि यही एक्सेंट पार्टिकल है, जैसे ग्राउंड में आप फुटबॉल खेल रहे थे तो आप एक के तरफ थ्रो किए बॉल, तो यहाँ कौन किसके तरफ थ्रो, न्यूट्रॉन की तरफ थ्रो किया, कौन सा बोसॉन पार्टिकल, तो न्यूट्रॉन पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, अब फोर्स लगते ही वो न्यूट्रॉन टूट जाएगा, राइट, तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाना मतलब वो कन्वर्ट हो जाता है, किसमें किसमें कन्वर्ट होता है बाबा, तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, राइट, तो उसका इक्वेशन यहाँ, और उससे बीटा माइनस पार्टिकल निकलता है, उसी को बीटा डीके लिखा हुआ था बुक में, तो न्यूट्रॉन देखिए प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया और बीटा डीके हुआ उसमें, और भी पार्टिकल गामा रे रेडिएट होता है और एंटी न्यूट्रिनो एक पार्टिकल बनता है, तो इतना नहीं जानना है आपको, न्यूट्रॉन टूट गया किसमें, प्रोटॉन और बीटा माइनस। अब ये न्यूट्रॉन टूटा कैसे, तो ये न्यूट्रॉन टूटा W बोसॉन जो पार्टिकल था, बोसॉन पार्टिकल उसको कैच करने में गया ये काम से न्यूट्रॉन, ठीक, तो चार्ज कैरियर यहाँ क्या हो गया, बोसॉन हो गया कि नहीं, बोसॉन के आने के कारण टूटा, तो कुल मिला के ये बात है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ना वो अट्रैक्टिव फोर्स है ही नहीं, वो रिपल्सिव है, डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, वो न्यूट्रॉन को तोड़ देता है, और ये ऐसे न्यूक्लियस में होता है जिसका साइज ज्यादा होता है, साइज ज्यादा ज्यादा होना मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के रेशियो में अगर प्रोटॉन ज्यादा हो जाए किसी न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन ज्यादा होने लगता है तो प्रोटॉन नहीं न्यूट्रॉन ज्यादा होने लगता है तो वो अनस्टेबल होने लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो जितना न्यूट्रॉन उतना प्रोटॉन, प्रोटॉन अगर ज्यादा होगा तो भी वो डीके होता है रेडियो एक्टिव डीके, और न्यूट्रॉन ज्यादा होने पे भी डीके होने लगता है, लेकिन जब न्यूट्रॉन ज्यादा होता है तो न्यूट्रॉन स्प्लिट होने लगता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, और उस न्यूट्रॉन को तोड़ता है जो फोर्स, उसी फोर्स को बोला जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, समझ में आ गया ना, वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पे लग रहा है, न्यूट्रॉन के भीतर लग रहा है, न्यूट्रॉन को तोड़ रहा है ये फोर्स, अब इसको एक अलग से फोर्स का नाम क्यों दे दिया वीक न्यूक्लियर, क्योंकि ऐसा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक करता नहीं है, दो चार्ज के बीच फोर्स लगता है और न्यूट्रॉन के बीच तो दो चार्ज है नहीं जो एक दूसरे को तोड़े, और ये स्टैटिक ब्रेक भी नहीं करता है फोर्स को, तो इस चीज को ये जो फेनोमेना देखा गया बीटा डीके का कि न्यूट्रॉन टूटकर और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बना, मतलब बीटा डीके हुआ, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है चार्ज से या मास होने से किसी ऑब्जेक्ट में, ये नहीं हो सकता है, तो इसीलिए इसको एक नया फोर्स का नाम दे दिया है जिसको बोले हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स फिर क्यों आया भाई, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये सबको पता है, न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इधर रिवॉल्व करते रहता है, तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन में आपस में रिपल्सन होता है, ऐसे हो रहा है ना रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण रिपल्सन हो रहा है, तो इस रिपल्सन के चलते प्रोटॉन एक दूसरे से दूर जाना चाहिए जबकि वो न्यूक्लियस में कैसे है स्टेबल हो, यानी कि इस कोई तो एक और फोर्स लग रहा है जो अट्रैक्टिव जैसा है, इस इंस्टेंट अट्रैक्टिव है, वही फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, आप बोल सकते हैं सर प्रोटॉन प्रोटॉन में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रहा है तो हो सकता है कि वो अट्रैक्टिव होगा, तो इसको ग्रेविटेशनल से तो एक्सप्लेन हो जा रहा है, तो क्यों एक नया फोर्स ला रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इसको स्टेबल दिखाने के लिए, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीकेस्ट है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से बहुत छोटा है, राइट, और यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इसको इरेज कर देते हैं, देखिए कर दिया इरेज, यहाँ पे देखिए अब ये प्रोटॉन प्रोटॉन में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अट्रैक्शन जितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है 1 अगर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक 10^36 है, 10^36 टाइम्स है, तो कैसे उसका मुकाबला करेगा वो, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन 10^36 है और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ओनली 1 है तो वो तो रोक नहीं सकता है उसको ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, इसीलिए एक नया फोर्स माना गया कि ये इन दोनों के बीच एक और फोर्स है जिसका कॉज मास नहीं है, मास अगर कॉज होता उसका तब ग्रेविटेशनल नाम होता, चार्ज होता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम होता, लेकिन ये कोई और ही कॉज है इसका,
जिसके कारण वो कॉज आपको बताया था अभी, क्या है, ग्लुऑन्स है। तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन विच बाइंड टूगेदर द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को ये न्यूक्लियस के अंदर रखता है बांध कर। तो ये फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थोड़े लग सकता है, वो तो चार्ज पार्टिकल में लगता है। ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी लग रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन में भी लग रहा है, और अट्रैक्टिव लग रहा है प्रोटॉन प्रोटॉन में, जबकि अगर चार्ज उसका कॉज होता तो रिपल्सिव लगना चाहिए था। फोर्स लाया गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स जो है यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड के रखा हुआ है। क्लियर है ये? अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स और ये सब का कंपैरिजन देख लेते हैं सबसे लास्ट में। तो देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, उसमें सबसे ज्यादा देखिए ये है ना, न्यूक्लियर सबसे आगे है, 10^38 है, और इसका 10^36 है। तो ये सबका रेशियो दिया हुआ है, सबसे कौन है देखिए यहाँ, 1 है। तो सबसे वीकेस्ट कौन सा हो गया फोर्स में, ग्रेविटेशनल, उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, वीक न्यूक्लियर, फिर ज्यादा कौन उससे हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड दीज कॉन्सेप्ट्स। इफ यू अंडरस्टैंड इट एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू एवरी वन।